सूरज को पढ़ते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने किया 62वीं अखिल भारतीय रेलवे कुश्ती फ्री स्टाइल पुरुष प्रतियोगिता का आगाज। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को महाकौशल की धरती पर किया गया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में 30 मार्च से रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड एवं पश्चिमी मध्य रेलवे के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे स्टेडियम जबलपुर में 30 मार्च से 31 मार्च तक 62वीं अखिल भारतीय रेलवे फ्री स्टाइल पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता के मुख्य अतिथि एवं श्रीमती संध्या गुप्ता अध्यक्षा पश्चिम मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन के विशेष अतिथि के रूप में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सुधीर गुप्ता जी द्वारा भारतीय रेलवे में कार्यरत ऐसे अर्जुन अवार्ड कुश्ती खिलाड़ियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया जिन्होंने रेलवे नाम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर रोशन किया है। इनमें प्रमुख रूप से कुलदीप सिंह मलिक ध्यानचंद अवार्ड, श्री काका पवार अर्जुन अवार्ड, श्री सत्यवान अर्जुन अवार्डी, श्री कृपा शंकर पटेल अर्जुन अवार्डी, श्री अनिल मान ध्यानचंद अवार्डी, श्री सत्यदेव मलिक कॉम्पिटिशन डायरेक्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री शोभन चौधरी, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष पश्चिम मध्य रेलवे खेल कूद संघ, श्री सत्यवीर सिंह PCSTI, श्री BK गुप्ता SDGM, श्री मुकुल शरण माथुर PCCM, श्री PK गुप्ता PCSSC, श्री राजेश पाठक PCOM, श्री MS कालरा CPD, श्री संजय विश्वास मंडल रेल प्रबंधक, डॉक्टर आशुतोष गर्ग महासचिव पश्चिम मध्य रेलवे खेल कूद संघ, श्री सचिन शुक्ला सचिव महाप्रबंधक, श्री अभिराम खरे मंडल खेलकूद अधिकारी जबलपुर विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री मधु यादव वरिष्ठ खेलकूद अधिकारी द्वारा किया गया। खेले गए मुकाबलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग, 65 किलोग्राम भार वर्ग, 74 किलोग्राम भार वर्ग, 86 किलोग्राम भार वर्ग तथा 97 किलो भार वर्ग का मुकाबला करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। WCR को बहुत बहुत बधाई, आपने चैंपियनशिप में चौथा स्थान प्राप्त किया है। आपके सिर्फ 6 रेसलर CR सुशील, 5 WCR जितेंद्र नॉर्दर्न रेलवे, 1st place goes to Lovepreet Northern Railway. Weight category 125+. 3rd place goes to Krishna Kumar PLW. 2nd place goes to Krishna Western Railway. And 1st place goes to Hitendra Northern Railway. समय ट्रॉफी वितरण का 3rd प्लेस इस प्रतियोगिता की 62वीं अखिल भारतीय पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में 3rd स्थान की जो ट्रॉफी जा रही है वो जा रही है वेस्टर्न रेलवे को। 3rd प्लेस ट्रॉफी गोज टू वेस्टर्न रेलवे। अंदर थोड़ा बैठ जा, साइड में हो जाए, पीछे हो जाए तो पीछे हो जाए, बिल्कुल।
सेकंड प्लेस रनर्स ऑफ ट्रॉफी गोज टू सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, कुछ लोग बैठ हैं ना, ये डाउन हो रहा है, कुछ लोग बैठ हैं जी, बस ये आ जा सकते हो सबसे ज्यादा प्राप्त किए दीदी आप जाओ, दीदी पास में दीदी आप भी से प्राप्त किए हैं और ये वर्तमान में भारतीय कुश्ती टीम के साथ में कोच हैं और एनएआर रेलवे में खेल अधिकारी हैं। ये रियो ओलंपिक में भारतीय कुश्ती टीम के विक्टर ओमन के कोच भी थे। यहाँ पर सब लोगों ने उसकी सराहना की, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने खेला भी और एंजॉय भी किया। सर कहाँ कहाँ से ये खेल के आए थे और जीते हैं? ये सभी रेलवे से जो होते हैं यहाँ आते हैं, इंटर रेलवे कॉम्पिटिशन बोलते हैं। नॉर्दर्न रेलवे में चैंपियन रहा है, डब्ल्यू सी आर की फोर्थ पोजिशन आई है, डब्ल्यू सी आर का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय और भी अच्छा प्रदर्शन। तो सर ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है? हाँ हर साल होती है। कोरोना के बाद से सर बहुत टाइम बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, किस प्रकार से देखती है सर आप? काफ़ी लोगों में उत्साह था क्योंकि बहुत समय से ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो रही थी और ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करना मुश्किल होता है। बहुत लोगों ने उत्साह और बहुत अच्छे से इसको पार्टिसिपेट किया और खेला है और काफ़ी अच्छा रहा है। मैं सभी आयोजकों को इसकी बधाई देता हूँ, सभी प्लेयर्स को इसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। विजेता का जो जीता हुआ है कब कैसा है, कैसी मेहनत? हमारे प्लेयर सेंट्रल रेलवे की हमारी टीम है वो उप विजेता इस कंपटीशन में हो गई है। तो हमारे कंपटीशन में अभी जो रेलवे का कंपटीशन हुआ है उसमें ऑल इंडिया का रेलवे कंपटीशन था, इसमें से हमारे उप विजेता टीम हो गई सेंट्रल रेलवे की और हमारे सब प्लेयर अच्छे लड़े हैं। अच्छा उनका कैंप भी हमारा पूरा भी लगा था, 2 महीने का कैंप था, तो कैंप में अच्छा ट्रेनिंग के साथ प्लेयर हमारे एकदम फिट थे और थोड़ी एक 30-35 पॉइंट से हमारे चैंपियनशिप फर्स्ट निकल गए और हम सेकंड चैंपियनशिप होते हैं। कोरोना काल में कोरोना बहुत अच्छा लगा, 2 दिन के बाद कंपटीशन नहीं था, सब कंपटीशन कोई भी किधर भी नहीं था, तो उसके बाद कोरोना थोड़ा चाहूँगा ढीला होने के बाद वो अभी चैंपियनशिप रेलवे की हुई, उसमें बहुत अच्छा हमको इधर भी अच्छा लगा, सब व्यवस्था व्यवस्था अच्छा गया था। नाम बताइए। रंगराव हरने और हमारे प्लेयर हमारे प्लेयर बहुत अच्छे लड़े, कई एक अर्जुन अवार्ड लड़े थे, सत्यमान आद्यान और जितेंद्र जो अभी एशियन में उसका चयन हुआ है, उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह और ट्रेनिंग भी अच्छी की उन्होंने। हमारे एनआर में बहुत अच्छे कोच हैं और यहाँ बहुत अच्छा हमें लगे आगे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अच्छा रहा। कोरोना में थोड़ा जिन्होंने स्थिति ठीक नहीं थी, फिर कैंसिल हो गई है, उसके बाद दोबारा हो गया। कोरोना काल में बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और उसके बाद में वही हमारा कैंप लगा था, हमारे 6 या 7 कोच थे, ट्रेनर थे, अनिल मान थे, राजू तोमर थे और कुलदीप कुशवाहा थे और मैं खुद देवेंद्र कुमार प्रवेश था, सबने ट्रेनिंग कराई थी और हमारी ग्रीको रोमन की चैंपियनशिप
नारायण भाई है और फ्री स्टाइल की आपके सामने अच्छा गोल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं एन आर में रेस्लर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और टाइम टेबल पर जो टाइम दिया है बच्चों को टाइम पर प्रैक्टिस हाजिर हुआ और डिसिप्लिन में बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो इससे आप लोग रिजल्ट अच्छा है निकल गए। नाम बताइए। हाँ, देवेंद्र कुमार नाम है। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, कोच भी हूँ इंडियन का टीम का और हमारे अनिल मान हैं, राजू तोमर हैं, यदि ओलंपिक में गए थे दोनों, तो बजरंग पूनिया हमारे मेडलिस्ट हैं, रवि थी उनके साथ गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई थी। एकेडमी में भी बहुत अच्छा अच्छा रखा है और कैंप भी अच्छा लगा रखा है।